Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental and Ayurvedic sciences. आज का हमारा टॉपिक है दोष धातु का आश्रय आश्रयी भाव. हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है दोष धातु का आश्रय आश्रयी भाव. तो आज हम पढ़ेंगे कि दोष धातु मल इन सभी में आश्रय आश्रय भाव कैसे होता है या आश्रय आश्रय भाव की चिकित्सा में क्या महत्व है और सबसे मेन आश्रय और आश्रय भाव है क्या. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो आश्रय है वो एक घर की तरह है और जो आश्रय है वो घर में रहने वाले लोगों की तरह है. मतलब आश्रय वो है जो घर है और आश्रय जो उसके अंदर लोग रह रहे हैं. तो ये तो था आश्रय और आश्रय में अंतर. तो जो वात आदि दोष हैं और रस आदि धातुएं हैं इनमें आश्रय एवं आश्रय संबंध होता है. हमें इनमें आश्रय एवं आश्रय संबंध मिलता है. तो इसके लिए अष्टांग हृदय में एक श्लोक लिखा गया है कि तत्र अस्थिनी स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तयो श्लेष्मा शेषेषु तनेषाम आश्रया आश्रिताम मिथम. तो इसका अर्थ है कि जैसे मैंने यहाँ टेबल में इसी का अर्थ शो किया है कि आश्रय और आश्रय होते कौन कौन से हैं. तो इस श्लोक में लिखा गया है कि जो आश्रय है वो तो है वात पित्त और कफ. और इन सब के आश्रय जिनमें वात पित्त और कफ आश्रय रहते हैं वो हम देखते हैं कि जो वात आश्रय है उसका आश्रय है अस्थि, जो पित्त आश्रय है उसका आश्रय है स्वेद और रक्त, कफ आश्रय का आश्रय है रस मांस मेद मज्जा शुक्र मूत्र और पुरीष आदि. ये सभी कफ के आश्रय हैं. तो हमने इस टेबल फॉर्म में यही देखा कि आश्रय और आश्रय कौन है, इनमें किस धातु का किस दोष के साथ में आश्रय आश्रय संबंध है. ये यहाँ पे इस श्लोक में इसका अर्थ समझाया गया है. अब हम आगे समझते हैं दोष और धातु के आश्रय आश्रय भाव को. तो इसी प्रकार मैंने यहाँ लिखा है जो आचार्यों ने समझाया है कि रक्त के स्वधर्मी द्रव्यों के सेवन से पित्त बढ़ेगा. मतलब रक्त जो है वो आश्रय है और आश्रय के बढ़ने से आश्रय बढ़ रहा है और आश्रय के कम होने से आश्रय भी कम हो रहा है. जैसा कि हमने सामान्य जो विशेष सिद्धांत है उसमें पढ़ा है कि समान समान के बढ़ने से उसी के समान के द्रव्य जो बढ़ते हैं. तो इसी प्रकार यहाँ पर अगर रक्त के स्वधर्मी द्रव्यों का सेवन किया जाएगा तो पित्त की वृद्धि हो रही है. जैसे माने कि किसी को पित्तज रोग है तो पित्तज रोग बढ़ने से आश्रय के बढ़ने से वहां पर रक्त के आश्रय का भी की भी वृद्धि होगी. जो औषधि आश्रय को क्षीण करेगी तो वह उसके आश्रय को भी क्षीण करेगी. तो इसी से हमें ये पता चलता है कि अगर आश्रय बढ़ेगा तो आश्रय भी बढ़ेगा और अगर आश्रय कम होगा तो आश्रय भी कम होगा. जैसे रक्त बढ़ेगा तो पित्त भी बढ़ेगा, पित्त में भी वृद्धि होगी. अगर रक्त क्षीण होगा तो पित्त भी क्षीण होगा, पित्त का भी क्षय होगा. इसी प्रकार कफ में भी पित्त के समान ही आश्रय आश्रय भाव देखा जाता है कि अगर रस मांस मेद आदि जितने जो भी आश्रय भाव हैं कफ के वो सभी उनके बढ़ने से या उनमें से किसी एक के भी वृद्धि होने पर कफ की वृद्धि होगी और उनमें से किसी के क्षय होने पर कफ का भी क्षय होगा. अब हम वात के केस में देखें तो वात के केस में अपवाद होता है. वात के केस में अस्थि और वात में जो आश्रय आश्रय सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है. इसका जो वर्णन है कुछ इस प्रकार समझाया गया है. वात अपवाद इसलिए है क्योंकि जो अस्थि है
उसमें वृद्धि करने के लिए तर्पण गुण की प्रधानता होनी चाहिए। तर्पण मतलब जो स्नेह प्रदान करते हैं, ऐसे गुण की प्रधानता होनी चाहिए। और जो स्नेह प्रदान करते हैं वो तो कफ की वृद्धि करते हैं और वात का शमन करते हैं। यहाँ वात के शमन से मेरा अर्थ था कि वात का क्षय करते हैं। तो तर्पण गुण वाले कफ की वृद्धि करेंगे और वात का क्षय करेंगे। इसी वजह से जो अस्थि और वात है उसमें यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर अस्थि की वृद्धि होगी तो वात का क्षय होगा, और अगर वात की क्षय होगी, वात का क्षय अर्थात रुक्ष गुण की जो प्रधानता है वो बढ़ेगी। हम सभी को पता है कि वात के गुण क्या होते हैं, वात के गुण में एक गुण रुक्षता भी है। तो अगर रुक्षता बढ़ेगी तो वात बढ़ेगा, वात बढ़ेगा तो जो है अस्थि का क्षय होगा। उदाहरण भी दिया गया है कि रुक्ष तिक्त कटु कषाय अपतर्पण लंघन द्रव्य जो हैं वे सभी वात की वृद्धि करते हैं और अस्थि का क्षय करते हैं। अब हम रुक्षता ही से ही देखें तो रुक्ष गुण बढ़ने की वजह से वात की वृद्धि होती है, लेकिन अस्थि का क्षय होता है, क्योंकि अस्थि में स्निग्ध गुण होता है। और स्निग्ध मधुर लवण ब्रहण द्रव्य के सेवन से जो है वात का क्षय होता है और अस्थि की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हमने जो पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्शन देखा कि जो आश्रय आश्रय भाव हैं दोष और धातु के बीच में जो इनका संबंध है वो किस प्रकार है, और इनका अपवाद वात है। इसमें वात के ऊपर ही सबसे मोस्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वात एक अपवाद है इसका। तो इससे हम ये सब कुछ समझ सकते हैं, और ये है हमारा दोष धातु के आश्रय आश्रय भाव में संबंध। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आश्रय आश्रय भाव का चिकित्सक में क्या महत्व है, कि जो भी हम रोगों की चिकित्सा करते हैं उसमें आश्रय आश्रय भाव का क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व हम अगर देखें तो व्याधि की साध्य असाध्यता का ज्ञान होना। इसका चिकित्सा में कुछ इस प्रकार वर्णन किया गया है कि जो भी रोग हो तो वो साध्य होगा असाध्य होगा, ये आश्रय आश्रय भाव से हम इसका ज्ञान कर सकते हैं। जैसे कि जो प्रकोपित दोष है वो अपने आश्रय पर अगर दृष्टि नहीं करे, जैसे कि वात है और अस्थि हम ले लें, तो दोष प्रकोपित हुआ, जैसे वात प्रकोपित हुई, अगर वो अस्थि की दृष्टि नहीं करे और किसी अन्य दोष के आश्रय में जाकर रोग उत्पन्न करे, जैसे कि जो वात है वो रक्त में जाके दुष्टि करे या पित्त है वो अस्थि में जाके दुष्टि करे, तो जो रोग होगा वो सुख साध्य होगा। तो जब प्रकोपित दोष अपने आश्रय को छोड़कर किसी और दोष के आश्रय को जाकर दूषित करते हैं तो रोग जो होता है वो सुख साध्य होता है, उसकी चिकित्सा की जा सकती है। सुख साध्य रोग के लक्षण, सुख साध्य रोग के लक्षण चरक ने बताए हैं। चरक ने कहा है न चे तुल्य गुणों दुष्यो न दोष प्रकृति भर्वते। इसका अर्थ है दोष व दुष्य अर्थात आश्रय समान गुण वाले न हो तो रोग सुख साध्य होता है। मतलब कि जो दोष और दुष्य हैं, जो आश्रय और आश्रय समान गुण वाले नहीं हो, दोनों विपरीत गुण वाले हो, तो रोग सुख साध्य होगा। यही हमने ऊपर पढ़ा है अभी। इसका उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि अनुषंगी रोग है, ये एक क्षुद्र रोग है, और इसमें क्या होता है, कफ दोष अस्थि को दूषित करता है। मतलब अस्थि कफ दोष का आश्रय नहीं है, ये कफ दोष किसी और आश्रय को दूषित कर रहा है। इस वजह से जो रुजा होती है वो कम होता है और रोग सुख साध्य होता है। सुख साध्य और असाध्य में अपवाद, सुख साध्य असाध्य में जो अपवाद है वो है, उसको लेकर कहा गया है प्रमेह तुल्य दुष्यता सुख साध्य लक्षणम। प्रमेह रोग का कफ दोष की दुष्टि से उत्पन्न होता है और प्रमेह रोग के 10 दुष्य का आश्रय होते हैं।
जो प्रमेह रोग है वो साध्य असाध्य अवस्था में अपवाद है, और जो प्रमेह रोग है वो कफ दोष की दृष्टि से उत्पन्न होता है। इसके 10 दुष्य या आश्रय होते हैं। 10 दुष्य और आश्रय कौन कौन से होते हैं हमें आगे देखे तो, बहव बद्धम मेदो मांसम शरीरच कल क्लेद शुक्रम शोणितम वसा मज्जा लसिका रसश्च संख्यात इति दुष्य विशेषा। इसमें जो 10 आश्रय हैं वो है मेद, मांस, क्लेद, शुक्र, शोणित, वसा, मज्जा, लसिका, रस, ओज। ये सभी संख्या सभी दुष्य हैं, और इनमें से जो अधिकांश दुष्य हैं ये सभी कफ के आश्रय हैं। कफ के आश्रय होने के बाद इसके बावजूद भी जो कफज प्रमेह होता है वो साध्य होता है, जबकि जो पित्तज व वातज प्रमेह होता है वो असाध्य होता है। यही प्रमेह में अपवाद है कि कफज के आश्रय ज्यादा होने के बावजूद भी कफज प्रमेह साध्य है, और पित्तज और वातज के दुष्य समान न होने पर भी यह असाध्य है। प्रमेह के अपवाद होने की पुष्टि कुछ इस प्रकार की गई है कि प्रमेह के निदान क्या होते हैं। प्रमेह के जो कारण हैं, जो निदान है, वो है गुरु, मधुर, क्लीन, द्रव, भोजन करने से, इनका सेवन करने से कफज प्रमेह होता है। कफज प्रमेह जैसे इक्षु बालिका में और उदक में उत्पन्न होता है, तो और निरंतर इन्हीं निदानों के सेवन करने से रक्त में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा की वृद्धि होती है। ग्लूकोज की मात्रा रक्त में तो बढ़ जाती है, लेकिन उस ग्लूकोज की वृद्धि होने पर भी जो कोशिकाएं हैं, जो शरीर की सेल्स हैं, वो उस ग्लूकोज को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती हैं। इसी कारण कोशिकाओं में आपूर्ति हो जाती है, कोशिकाओं में ग्लूकोज की आपूर्ति नहीं हो पाती है। ग्लूकोज की आपूर्ति नहीं होने के बाद में जो दो तरीके से अगर हम देखें तो कोशिकाओं में आपूर्ति हो गई तो कोशिकाएं क्या करेंगी, प्रोटीन और फैट को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करेंगी। प्रोटीन फैट को तोड़ने के बाद जो है कीटोन्स का निर्माण होगा। कीटोन्स के अम्ल भाव को प्राप्त करने पर पित्तज प्रमेह क्या उत्पन्न होती है। और दूसरा हम अगर पॉइंट देखें तो प्रोटीन और फैट के निरंतर इसी प्रकार जो है वो ब्रेकडाउन होने की वजह से, इसी प्रकार उनका बार बार उपयोग करने की वजह से उनका शरीर में क्षय हो जाएगा, उनकी कमी हो जाएगी, और रोगी जो है वो क्रश हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से वातज प्रमेह उत्पन्न होगा, और वातज प्रमेह जो है वो असाध्य प्रमेह है। हम दूसरा चिकित्सा महत्व देखें आश्रय आश्रय भाव का, तो काल, रोगी, प्रकृति, देश आदि भी दोष व उसके आश्रय के समान है, तो रोग निश्चित रूप से साध्य हो असाध्य हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इसको समझें तो हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे काल है, कौन सी ऋतु या रोगी की प्रकृति क्या है, वातज है, पित्तज है, कफज है, देश अनुप है, जांगल है, या आदि। अगर दोष और दुष्य, दोष और आश्रय समान है तो रोग असाध्य हो जाएगा। जैसे कि रक्त पित्त रोग में अगर हम देखें तो आश्रय दोष पित्त है, आश्रय रक्त है, रोग की प्रकृति भी पित्तज है। काल शर अगर रोगी रोगी को रोग जो है शरद ऋतु में उत्पन्न हुआ है, देश अनुप, अनुप देश में पित्त बड़ा हुआ होता है, और रोग कफ पित्त प्रधान है, तो ये निश्चित ही असाध्य होगा, जो रोग है वो असाध्य हो जाएगा इन सब कारणों की वजह से। अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो चिकित्सा के निर्धारण हेतु भी जो है आश्रय आश्रय भाव का संबंध महत्वता रखता है। जैसे कि हम उदाहरण देखें, उदाहरण स्वरूप में देखें तो पित्त का आश्रय अस्थि है, और सॉरी वात का आश्रय अस्थि है, और जो वात है उसकी प्रधान चिकित्सा बस्ती है।
और इसी कारण जो है अस्थि प्रदोषत विकार में बस्ती क्रम का निर्देश किया गया है। इसके लिए कहा गया है सर्ववात विकाराणाम तैल अन्य अन्यात। इसका अर्थ है कि सभी वात जो विकार हैं उन सभी के लिए तैल और अन्य जो स्नेह हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि जो तैल और अन्य जो स्नेह हैं ये सभी वात शामक होते हैं, और इसीलिए अस्थिगत वात में बहाय अभ्यांतर स्नेह का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि जो पित्त का आश्रय है वो रक्त है, और रक्त पित्त रोग में दोनों के शमन के लिए शीतल चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। कि शीतल चिकित्सा के प्रयोग से रक्त पित्त रोग का जो है वो शमन कर सकते हैं, रक्त का भी क्षय कर सकते हैं, पित्त का भी क्षय कर सकते हैं, और इससे जो रक्त पित्त रोग है वो साध्य होगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कफ का आश्रय मेद और मांस आदि होते हैं, तो इसके इसलिए जो अति स्थौल्य है, अति स्थौल्य मतलब जो ओबेसिटी होती है, उनकी चिकित्सा लेखन चिकित्सा रूप में कृष्ण चिकित्सा की जाती है। या फिर कहें तो जो लेखन महाकषाय हैं, हमारे 50 प्रकार के महाकषाय हैं, उनमें से एक है लेखन महाकषाय, तो लेखन महाकषाय की बस्ती का प्रयोग करते हैं, उससे जो कफ दोष के कफ आश्रय आश्रय दोष के जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट आर टूडेज वीडियो, और दोष दोष्य आदि विमानम का ये हमारा जो आश्रय आश्रय भाव है दोष धातुओं का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और भी वीडियोस हैं दोष दोष्य आदि विज्ञानम के, तो आप वो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।